तो भाई जान सार ड्रामा ना ही पूछो ना ही पूछो, बल्कि ना पूछो क्या, मैंने बताना तो आना भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, वही सब हो गया भाई। जान सार में सबसे पहले आप लोग ये चाहते थे कि भाई जो दुआ है ना वो अपनी माँ बहनों से मिले, वो भी मिलेगी। फिर आप लोग ये चाहते थे कि दुआ का अब्बा उसे माफ़ कर दे, उसके साथ सही हो जाए, बल्कि शायद ये ना ही चाहते हो। लेकिन अब ये हो चुका है कि जो दुआ का अब्बा है ना वो बिल्कुल ठीक, क्योंकि यार रोड पर दिखाया जाता है दुआ का अब्बा किसी लड़ रहा होता, कोई उसे पैसे दे रहा होता, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है भाई। दुआ पता नहीं कहाँ से टपक जाती है, वहाँ से देख लेती है, देखने वो कहती है क्या कर रहे हो अब, एक मिनट वो कहता है इसने मेरे पैसे देने, वो कहते कितने दे रहे हैं, वो कहते 10,000। वो निकालती पर से मुंह में मार दी गई, यहाँ शार्ट हो जाती मेरे अब कुछ नहीं करना। फिर वो उसका अब खुद घर आया था, यहाँ पे दिखाया जाता है भाई, वो अपनी गाड़ी में उसे घर से अपने अब्बू को लेके जाती है और जाकर ना डंडा पकड़ा दी, कहती मारे आप मुझे, कहते ऐसे मुंह ना फिर, ये क्या है, मैं आपकी हूँ तो बेटी ना, मैंने कोई गलत कदम किया नहीं था, आपने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे बहुत गुस्सा है, आपने मेरी बात तो सुननी चाहिए थी ना, अब आप क्या, आपको बता क्या बताऊँ यार, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, बल्कि मेरे साथ बुरा हुआ, ऊपर से आपने मेरे साथ बुरा किया, मुझे तो चाहिए आपको बुलाना ही चाहिए, लेकिन हाँ मेरे अब्बू को मैं फिर भी आपसे मतलब चाह रही हूँ कि आप मुझे बुलाओ। तो वो फिर अपने अब्बू भी उसका माफ़ कर देगा और भैया ने फिर वो घर जाती है, जाकर ना अब्बू उसको जो माफ़ कर देता है उसे मारता ही नहीं, वो उसे भी रोना आ जाता है। तो भैया नौशेरवा को जा कहती है कि भाई बहुत खुशखबरी है, वो कहता है क्या खुशखबरी है, वो कहते हैं कि मेरा अब्बू अब मेरे से मान गया, अब वो आपको उसके उनके साथ मिलवाऊंगी, और फिर अब इनका अब्बू माफ़ कर, इनका अब्बू को भी मतलब हालात के ख़राब वाले सीन सेट हो जाएगा, क्योंकि सही बात है ना। जब उसके अलावा भैया ने वो ना इधर दुआ वो नौशेरवा की गाड़ी के होती है या फरा, तो भैया ने फरा उसके साथ बैठी होती बातें कर रही होती, और ऊपर से भैया ने दुआ का फोन आया था, और वो ऊपर से उसे दुआ को छोड़ने की बातें कर रही होती है, लेकिन वो कहता है मैं दुआ को नहीं छोड़ सकता, और ऊपर से भैया ने दुआ का फोन आ जाता है। जब दुआ का फोन आता है तो भैया ने वही सीन हो गया ना, तो भाई दुआ का फोन उठाने लगता और ये उठाने नहीं देती है, कहता क्या बदतमीजी है उसे, फरा कहेगा धक्का मार बाहर निकालो इसे यार। अब ना जितना फरा कर रही है ना, मुझे लग रहा है कि शायद ना यार फरा के साथ वो दूसरी शादी कर ही लेगा, क्योंकि यार वो मतलब तीसरी, क्योंकि यार सीन ही ऐसा हुआ पड़ा है, मतलब कि बंदा पूछे तो क्या वो उसे मरने के लिए, और फिर वो उसे ऐसे धमकी देती है तुम मेरी मौत के हो गए जिम्मेदार वैसे सैसे। और उसकी दूसरी तरफ भैया जो है ना सरफराज का बाप, वो घर में कहता है हमारी बेटी के लिए भी रिश्ता आ गया, वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता जो तुम लोग दूसरों की बेटी के साथ कर रहे हो, तो तुम लोग की बेटी के रिश्ता आ गया वो साहब तुम लोग की बेटी के साथ भी होगा, इससे भी कोई ऐसी मिलेगा कोई ऐसा बुरा, क्योंकि सही बात है ना भैया, उसने तो गलत नहीं किया, जो उसकी बहन के साथ उसकी उसने जो दुआ के साथ गलत किया, फिर उसकी बहन के साथ शादी होगी उसके साथ भी गलत कर रहा है, ये भी नहीं शर्म कि चलो उसके साथ तो ठीक करो, उसके साथ भी गलत करी जा रहा है यार, वो ठीक इसलिए नहीं कर रहा, वो कहते पता ना लग जाए भाई मेरा राज ना खुल जाए, लेकिन वो तो खुल ही खुलना है। फिर उसकी बहन का जो रिश्ता है ना वो भी, उसकी भी शादी हो जाएगी, और वो जो सुंबल उसकी बहन है उसकी भी शादी होगी, और फिर उसके साथ जब गलत होगा फिर इसे पता लगेगा, फिर ये माफ़ी मांगता होगा, और फिर सारे के सारे राज खुलने हैं। बाकी यार जान सार के 33 एपिसोड हो गए, आप लोगों को कैसा लग रहा है ड्रामा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप लोगों का फेवरेट ड्रामा जान सार है कि दीवानगी ये भी कमेंट में बताना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।